महासभा के इस तरफ से सावित्रीबाई फूले माँ महात्मा शेख और कठपुतली ठाकुर जी की जो जयंती आज का प्रोग्राम रखा गया है और सभी समाजों को ओबीसी एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज के भाईचारे का एक प्रोग्राम आज रखा गया है दिल्ली प्रदेश की तरफ से। तो मैं सभी जितने भी अपने अतिथिगण आए हुए हैं सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी से ये अनुरोध है मेरा कि सभी भाईचारा बना के रखें और जो अपने देश में हो रहा है उस भाईचारे को खत्म हो रहा है उसको एकता के साथ बनाए रखें और सभी का दायित्व बनता है कि अपने देश को संविधान बचाने का जो काम हम लोग कर रहे हैं और सभी का दायित्व बनता है कि संविधान को बचाएं हम लोग। और सभी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो बाहर से हमारे मेहमान आए हुए हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन मुख्य अतिथि और दूर दराज से आए सभी आगंतुक सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए हम सोसाइटी वाले हैं, एनजीओ वाले हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भाषण नहीं देना जानते, मगर हाँ इतना ज़रूर जानते हैं कि अभी 26 जनवरी को जो झांकियाँ निकाली गई थी, जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे, उनमें ना तो किसी एक ओबीसी को दिया गया, ना ठाकुर समाज को दिया गया, ना गुर्जर समाज को दिया गया, उनमें 95% ब्राह्मणों को ही दिया गया, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारा अस्तित्व इस सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये जो ओबीसी महासंघ है इसको बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। हम लोग बहुत सालों से ये अपने व्यक्तित्व में भी बोलते थे, जब तक ओबीसी समाज गुर्जर समाज जाट समाज ये जब तक हम एक साथ नहीं मिल पाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकते। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ओबीसी महासंघ जो पूरे देश में फैल रहा है, स्टेटों में चल रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारी एनजीओ की तरफ से हमारी टीम की तरफ से जितनी भी तन मन धन की जरूरत पड़ेगी हम पूरी मुहैया कराएंगे, हम तन मन से उनके साथ हैं। सभी क्रांतिकारी जय भीम। पर कब्जा करने के लिए और यह तभी संभव है जब हमारा उपेक्षित समाज जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और माइनॉरिटी एकजुटता के साथ संघर्ष करेगा। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आदेश हमको मानना होगा, मानवर काशीराम जी का आदेश मानना होगा जिन्होंने इस देश में कुर्बानी दी है कि हम उपेक्षित समाज इस देश का हुक्मरान बने। यह तभी संभव होगा जब हम मिलकर संघर्ष करेंगे। मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में हम कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है ओबीसी महासभा का और हम उनको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उस देश में राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में चुनाव होने वाले हैं और हम दिखा दें अपनी ताकत को कि हमें सत्ता काबिज करना है। जय भीम जय भारत। तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब इस धरती पे जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले माता फातिमा शेख कपूरी ठाकुर जी और इस देश में संविधान सभा में पहुंचाने वाले आज 29 तारीख है 29 जनवरी आज जोगिंदर मंडल जी का जन्मदिन है, तो उन चारों को ही जन्मदिन पे मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मंचासीन माननीय डॉक्टर आर जोशी जी, मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल, मुख्य संरक्षक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी फेडरेशन जिसमें 30 लाख कर्मचारी काम करते हैं, मैं उन्हें भी जय भीम करता हूं। साथ में विराजमान अली अनवर जी माननीय पूर्व सांसद, मैं उन्हें भी जय भीम करता हूं और इस
देश के कोने कोने से आए हुए सभी यहाँ पे भीम सैनिक और सभी हम मिलके एक भारत बना रहे हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज बड़ा हर्ष का उत्साह का दिन है जो इतना बड़ा कार्यक्रम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हो रहा है। मैं यहाँ के कार्यकर्ता विशेष तौर से माननीय वीर सिंह बघेल जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रदेश के और उनकी टीम सभी को, यहाँ धर्मपाल जी और तमाम साथी नेत्रपाल जी और हमारे साथी आए हुए उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ, समय कम है, वक्ता बहुत है, अगर हमने इस देश पे अगर सत्ता पे काबिज होना है, बाबा साहब ने तो बहुत पहले कहा था कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सुरक्षित जब ही रह पाएंगे जब हम इस देश के शासक होंगे। हम इस देश के शासक थे, अब शासन से दूर हैं, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, हम 24 में जो हम चाहते हैं कम सत्ता पे काबिज हों वो असंभव सी बात है। हमें मिलकर काम करना होगा, हमारे चारों ये विभिन्न अंग हैं, हमें इनसे कहीं ना कहीं कोई न कोई तो चूक हो रही है कि हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे। विचारधारा अलग हो सकती है मगर हम कॉमन कोच की बात करें तो हमें इकट्ठे होना होगा। हमारे हक अधिकार 54% आबादी होते हुए 27% पर टिके हुए हैं। ये भी जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इस वजह से मिल गया, नहीं तो ये भी हमें मिलने का कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। हमें आज इकट्ठे रहना है, मिलकर रहना है, काम करना है, और हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये भूल जाओ कि जहां हम थे हजारों साल पहले, हम 24 के बाद वहीं जाएंगे। आपका समय है एक साल का, तो आप जरूर इकट्ठे हो जाएं। मेरी ये प्रार्थना है, निवेदन है, अपील भी है, हम मिलकर काम करें, हम ये दिखा दें कि जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुई तो हमारे हम अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। साथियों, काफी खामोशी है, मैं एक दो नारे लगाता हूँ, नारों के साथ में गूंज करेंगे साथियों। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान जय किसान। साथियों, आज दिल्ली देश की राजधानी में आप सभी एकत्रित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में हूं। आज हम जातिवाद जनगणना की बात करते हैं। आज सरकार हमारी आनंद उत्सव मना रही है, आजादी का उत्सव मना रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि किस हिसाब से मना रही है कि एससी एसटी ओबीसी आज भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज डिजिटल का जमाना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया है। आज जिस वही डिजिटल इंडिया में आज पशु पक्षी शेरों की गिनती अगर हम गूगल में डालें तो गूगल में हमारे शेर पशु पक्षी जीव जंतुओं की गिनती मिल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य आजादी के बाद 75 साल के बाद में भी 1931 की वह जनगणना मिल रही है जब हमारा देश गुलाम था। आजाद भारत में भी आज भी जातिवार जनगणना उपलब्ध नहीं है, ना ही हमारे डाटे हैं। किस हिसाब से सरकार ओबीसी के बारे में चिंतित है? अरे कहने के लिए वही सरकार है जब 2014 में बनी थी तो सम्माननीय गृह मंत्री जी बोले थे कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। लेकिन कहाँ है, दोबारा सरकार भी बनी वोट मांगने के लिए, जाति से वर्ग के नाम से वोट मांग के सरकार बना लेते हैं, लेकिन हमारी हक अधिकार देने के लिए उनके पसीने छूट जाते हैं। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, लाठी डंडे खाए,
लड़ाई लड़े हैं, अब वो समय दूर नहीं है। अगर 2023 में मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव है और 1 साल के बाद में लोकसभा का पूरे देश में चुनाव है, हमें निश्चित तौर पर पूरे देश से एक ही आवाज उठानी पड़ेगी। जो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के हकाधिकार जो सरकार न दे रही हो, जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को हमें किसी भी तरीके से बदलनी है। और ये संकल्प लेकर के हमको निकलना पड़ेगा। ये देश की राजधानी है, यहाँ की आवाज पूरे देश में जाएगी। और ये अभी भी समय है, अभी भी आज हमारा समाज अगर न जगा, हक अधिकार की लड़ाई न लड़ा, तो वो दिन दूर नहीं है। अंग्रेज तो हमें कुछ देके गए थे और अत्याचार नहीं किए, आने वाले टाइम पे अंग्रेजों से बदतर गुलामी हमारे लोगों को करनी पड़ेगी। आज समय है हम अपनी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ें। और मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, एक दिन की रोटी, एक दिन का समय और एक संकल्प के साथ में निकलना होगा आदमियों, कि जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक ओबीसी महासभा का क्रांतिकारी साथी चैन से नहीं बैठेगा। अगर आज नहीं लड़े साथियों, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हक अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, आज भी जिस तरीके से ओबीसी के हक अधिकार खत्म हुए जा रहे हैं, तो क्या समझ कल का दिन हम क्या होगा कि कल क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है लड़ना चाहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान जय भीम। आज हमारे मुख्य अतिथिगण एवं सभी साथियों, ओबीसी एसटी एससी की लड़ाई ये वो लड़ाई है, अब नई पीढ़ी को खड़ा होना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। आज तक हम लोग सोते रहे और लोग राज करते गए, हम लोग गुलाम बनते गए। गुलामी बंद करना पड़ेगी हम लोगों को, और इस लेवल पे अपने साथी भाइयों को लेके आना पड़ेगा कि जिससे हमें लगे कि हम कुछ करना चाहते हैं। आज जो भी हम लोग कर रहे थे राजनीतिक करने के लिए, ओबीसी एसटी एससी का जो हमारा संगठन बना है, ये संगठन के माध्यम से हमको मध्य प्रदेश के अंदर 2023 का इलेक्शन, इस हमारी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आज हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर पाने के लिए बहुत कुछ है। आज हम लोगों के लिए साथ देते गए और लोगों ने हमें इतना बेवकूफ समझा कि हमको गुलाम बना लिया। हम किसी के लायक नहीं रहे, बस जब हम लायक बनेंगे तो हम किसी को लायक नहीं छोड़ेंगे। जय भीम जय ज्योतिबा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीमा कुशवाहा जी, संचालन कर रहे माननीय पुष्पराज सिंह पटेल जी, मंच पे उपस्थित परम आदरणीय अली अनवर साहब, मंच पे उपस्थित परम आदरणीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल साहब, इस मंच पे उपस्थित आदरणीय बिहार के आईटी मंत्री माननीय इसराइल मंसूरी जी एवं सभी मंचासीन सम्मानित अभिभावकगण, साथियों, अभी तक आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी हम लोग अपने अधिकार को हासिल नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हम लोग आपस में ही बटे हुए हैं। क्योंकि समय कम दिया गया है, तो इस मंच से मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह वोट के समय सवर्ण जातियाँ, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, सिर्फ सवर्ण बन जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी यादव, कुर्मी, कोयरी, पटेल, कुशवाहा को मिटाकर
और सिर्फ पिछड़ा वर्ग बन जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली की गद्दी हमारे हाथों में होगी। मैं इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जगदेव, जय कर्पूरी, जय लाल, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, ये कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा हमारा है, इस देश में ओबीसी समाज की जनगणना होना चाहिए। और ये इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से आरएसएस हम ओबीसी वर्ग को लड़ाने का काम करता है, कभी कहता है देखिए यहाँ पे यादव को टिकट दे दिया गया है, कभी कहता है यहाँ पे साहू को नहीं दिया है, कभी कहता है यहाँ पे कुर्मी को नहीं दिया है, और हमारे लोगों को लड़ाता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, ओबीसी समाज के अंदर भाईचारा स्थापित आरएसएस करने नहीं देगा। साथियों, इसलिए हमें जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। और ओबीसी महासभा लगातार पूरे देश के अंदर लाखों ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन लोग मीडिया वाले कहते हैं बार बार कि मोदी जी ओबीसी है, मोदी जी ओबीसी है। तो मुझे, मैं पूछना चाहता हूं, आज तक सरकार में बैठने के बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ओबीसी की गिनती की बात नहीं की, जबकि यही जब सरकार में नहीं थे तो इनके मंत्री जो मंत्री हैं इनके, ये कहते थे कि इनकी गणना होना चाहिए। इनका ये दोगलापन हमें 2024 में और मध्य प्रदेश में 2023 में खत्म करने का काम करना है। साथियों, जब तक जनगणना नहीं होगी, हम आने वाले समय में ये शपथ दिलाने का काम करेंगे कि हम सवर्णों को वोट देने बिल्कुल नहीं देंगे, ओबीसी एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ये शपथ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि आप सभी लोग अब ये अपने जाति की लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए, वर्ग में आइए, और वर्ग में जाओगे तो ये आरएसएस मनुवादी लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आरएसएस में लोग सिर्फ सिर्फ ओबीसी एसटी के लोग झंडा उठाते हैं, दरी चढ़ाई झंडा उठाने काम करते हैं, और हमारे जितने भी नेता वहां पे जो आरएसएस के द्वारा बने हुए हैं वो आरएसएस की प्रयोगशाला से बने हुए हैं, इसलिए सदन में संसद में कहीं भी हमारी बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।